अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं आलू कतली। इसके लिए मैं आधा किलो आलू ली और इसको छिलका निकाल ली और इसके चिप्स के शक्ल में पीसेस कट कर लिए। थोड़े मोटे मोटे रखना और इसका कलर काला हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिए। और इसके लिए ली मैं 3 बड़े साइज का टमाटर और 2-3 हरी मिर्चियाँ हैं और 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं। इन दोनों को मोटा मोटा पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको मैं मोटा मोटा पीस ली दरदरा, अब इसका पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई एक बर्तन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे, 7-8 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें 1 टीस्पून डालेंगे जीरा। जीरे को ब्राउन होने देंगे, जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया, फ्लेम को थोड़ा धीमा कर देंगे और हरी मिर्ची और लहसुन के पेस्ट को डालेंगे। बिल्कुल कुछ सेकेंडों के लिए इसको फ्राई होने देंगे, थोड़ा 50% फ्राई पकना है। माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस पर आलू डाल देंगे। अब क्या करेंगे, आलू को इसमें पका लेंगे, फ्राई होने देंगे। 50% इसको फ्राई कुक होने देंगे, गल जाना है। 50% ये गल जाना है जब तक इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो लहसुन और जीरे को लहसुन और हरी मिर्च को हम फ्राई करें उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही। तो अब इसको 50% कुक होने देंगे, 50% ये गल जाना। आलू को मैं 50% फ्राई होने दी, 50% ये फ्राई हो गए और गल भी गए। अब जो टमाटर की हम प्यूरी ग्राइंड करके रखे थे वो डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको एक बार अच्छा मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, 2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे कोथमीर। अब इसको क्या करेंगे, ढक्कन ढाप देंगे, कवर करके इसको एक 6-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमे पे। इसको 7-8 मिनट में धीमे पे पका लेंगे। अब इसको फ्लेम तेज करेंगे। अब क्या करेंगे, एक मुट्ठी भर कोथमीर डालेंगे। इससे क्या है, कोथमीर का इसमें आलू कतली का टेस्ट बहुत अच्छा था और फ्लेवर भी अच्छा था। और इसमें 3-4 हरी मिर्ची सिर्फ बीच से स्लिट करके डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। की कतली वीडियो देखिए और बनाइए। आप चाहे तो इसको टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। चलिए आलू कतली हमारे तैयार है। आलू भी माशाल्लाह अच्छे से गल गए और इसमें जो पानी था टमाटे का ग्रेवी का वो पानी भी सूख गया। अब इसको डिश में निकालेंगे। आलू कतली हमारी तैयार है, बिल्कुल कम टाइम में झटपट बनने वाली। चाहे तो आप इसको टिफिन बॉक्स में भी बना कर रख सकते। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।